मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। बनाएंगे समोसे। समोसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसमें ऐड करेंगे हम 2 कप मैदा। ऐड करेंगे कप को अच्छे से दबा दबा कर फिल कर ले। तो यहाँ पर 2 कप हमने मैदा ले ली है, ग्राम्स में नापेंगे तो ये 250 ग्राम मैदा होगी। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मोइन लगाने के लिए हमें घी का यूज़ करना है, चाहे तो आप इसमें देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें डालडा घी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर घी से ही मोइन लगाना है, क्योंकि घी से ही हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रंची बनते हैं, और जो समोसों के ऊपर जो बबल्स आ जाते हैं वो भी हमें इसमें नहीं आएंगे, तो इसीलिए हमें इसमें घी का मोइन लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास डालडा घी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है। तो घी को मैं मेल्ट कर लूँगी, तो 1/4 कप हमें घी लेना है, तो मेल्ट कर लेंगे घी को सबसे पहले। तो यहाँ पर देसी घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, क्योंकि डालडा घी को मैं कुकिंग में यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए वो घर पर अवेलेबल नहीं है। तो लॉकडाउन के चलते यहाँ पर मार्केट से मंगाना भी सही नहीं है इस टाइम, तो इसलिए यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। तो बस डो में करेंगे हल्का सा हॉल और इसमें ऐड करेंगे हम घी। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। तो जिस कप से मैंने मैदा का मेजरमेंट किया है, इसी कप से मैंने घी ऐड किया है इसमें। तो सारा इसमें घी मिक्स कर देंगे। बस समोसों में हमें घी से ही मोइन लगाना है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में। आप देख सकते हैं मोइन बिल्कुल परफेक्ट लगा है, आप इस तरीके से बाइंड करके इसको देख सकते हैं। जब हमारा मैदा इस तरीके से इकट्ठा होने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका टाइट डो तैयार करेंगे। तो बस मोइन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो बस मोइन हमारा मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो सारी मैदा घी में अच्छे से कोट हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे यहाँ पर और इसको टाइट डो तैयार करना है, बिल्कुल टाइट डो तैयार करना है हमें इसके लिए। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। तो डो को हमने टाइप सा तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था, उसी कप से पानी का भी मेज़रमेंट किया था, तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बच गया है। तो बस डो भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको हल्का सा बस नीट कर लेंगे जो इस तरीके से है। तो इसको हल्का सा बस हाथों से सेट कर लेंगे। डो हमें टाइट ही चाहिए। तो डो रेडी हो चुका है, बस इसको हल्का सा ऑयल लगाएंगे और रेस्ट पे कम से कम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो डो हमारा बढ़िया से सेट हो जाएगा, तो इसको कवर कर दूंगी और रख दूंगी रेस्ट के लिए। तो डो को हमने इतने रेस्ट पे रख दिया है। आलू को मैंने छील लिया है, ये बॉईल आलू हैं, 6 आलू मैंने लिए हैं यहाँ पर बड़े साइज़ के। तो इनको अब छील कर मैं सबसे पहले यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी, हमें इन्हें हाथों से ही तोड़ना है। तो बस बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने हैं इनके, जिस तरीके से आप देखते हैं समोसे में आते हैं उसी तरीके के, सेम तरीके के हमें इसको तोड़ना है। बस बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे पीसेस कर देंगे इनके। तो
बस इस तरीके से हमें इनके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो सभी को इसी तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। तो सभी आलू को इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखे हैं इसके। तो एक कढ़ाई लेंगे बस, तो हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तो बस गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को हमने हाई कर दिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मिर्च। अगर आपके पास अदरक है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास इस टाइम नहीं है। अब ऐड करेंगे हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाले। यहाँ पे मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी। मैं थोड़े से चटपटा से ही स्टफिंग तैयार करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। सौंफ धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, तो 1 टीस्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून। तो मिक्स करेंगे सभी चीजों को। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, मिक्स कर लेंगे। काजू ऐड कर देंगे थोड़ी सी, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं आपको पसंद है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून किशमिश ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टफिंग को थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं, उसमें स्पाइसेस मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी चटपटी सी स्टफिंग तैयार की है। बस गैस को मूव कर देंगे, स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है समोसों की। आपके पास अगर मटर है तो आप इसमें उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बस स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हम अलग निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो बस स्टफिंग को हम अलग निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो डो को रेस्ट पे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। इस तरीके से इसे इस तरीके से लंबाई में बढ़ाते जाएंगे इसको थोड़ा सा। और बस इसके पीसेस कर लेंगे।
बस पहले इसको हम गोल कर लेंगे और फिर थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ जाएगी तो इसकी इसको लंबाई में करते जाएंगे, इसको लंबाई में बढ़ा लेंगे। बस अभी से कर लेंगे हम कट। इस तरीके से हमें इसे पतला बेलना है और थोड़ा सा यहाँ पानी लेंगे, पानी लगा देंगे और ऐसे हाथ पे लेंगे, जिस साइड हमने यहाँ पानी लगाया उसको हम यहाँ ऊपर लाएंगे और इससे मिला देंगे फिंगर, इसमें अंदर इंसर्ट करते हुए फिंगर को, और इससे यहाँ पर हल्का सा पिंच कर देंगे। ये अच्छे से चिपक चुका है। स्टफिंग लेंगे जिसको हमने तैयार करके रखा हुआ है और इसमें फिल करेंगे। अच्छे से अंदर फिल कर दें इसको। स्टफिंग हमें इतना ही फिल करना है जो कि अच्छे से हमारा समोसा सेट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर हल्का सा पानी लगाएंगे। हल्का सा यहाँ पर इसमें इस तरीके से प्लेट सेट करेंगे, फोल्ड कर देंगे यहाँ हल्का सा और फिर इसको बंद कर देंगे। बस पिंच कर दें इसको इससे कि ये अच्छे से बंद हो जाए, समोसा हमारा अच्छे से बंद होना चाहिए। तो समोसे को रखेंगे हम प्लेट में। समोसा हमारा देख लीजिए कि अच्छे से बन चुका है। तो इनको इस तरीके से रखेंगे प्लेट में जिससे कि ये शेप इनकी ख़राब ना हो। तो सभी समोसे को इसमें रखते जाएंगे। तो सेकंड समोसे को भी इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे हल्का सा पानी, उठाएंगे इसको, पानी वाले पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरीके से पिंच कर देंगे और यहाँ से भी कोन की तरह बना लेंगे इसको। रखेंगे इसमें हम स्टफिंग। दो से ढाई स्पून इसमें जितना भी अच्छे से फिल हो सके इतना इसमें फिल करेंगे स्टफिंग को। तो बस हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से फोल्ड। आप चाहें तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए भी बना सकते हैं, इसमें प्लेट डालते हुए आप इसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं सिंपल बनाकर दिखाऊंगी। तो चारों तरफ लगाएंगे हम पानी और कर देंगे इसको हम सील। तो समोसा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ से भी इसको पिंच कर देंगे तो प्लेट्स इस तरीके की पड़ती है इसमें, तो इसको भी अलग रख देंगे। तो सभी को बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको भी सेम तरीके से बेल लेंगे, बस इसको भी राउंड शेप में बेलते जाएंगे।
चारों तरफ पानी लगाते हुए इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। इस तरीके से, इसे बिना प्लेट के भी आप सिंपल तरीके से, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है उस तरीके से बनाना तो आप इसको ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं। जिन समोसों को हम प्लेट में रखते जा रहे हैं उनको हम कवर कर देंगे एक कपड़े से। तो बस समोसा हमारा देख सकते हैं आप बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ से भी हल्का सा पिंच कर देंगे, सभी को सेम तरीके से बना लेंगे। तो बस सभी समोसों को हमने स्टफ्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं समोसे बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। सभी समोसों को मैंने बना लिया है और मैंने इनमें अच्छे से स्टफिंग की है, बहुत ही अच्छे से इनको फिल किया है। स्टफिंग बस ये इतनी सी बची है हमारी। और समोसे का साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और आलू से भी इनको मैंने स्टफिंग से बहुत ही अच्छे से फिल किया है। समोसे सभी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे 18 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। 2 कप मैदा में, मैदा को मैंने कप में अच्छे से फिल किया हुआ था। तो बस एक तो समोसा कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग आपका समोसा 1 या 2 ज़्यादा या कम हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे 18 बने हैं। तो बस सभी समोसे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन समोसों को मैं कवर कर दूँगी और 1 घंटे के लिए या आधा पौन घंटे के लिए आप इनको रेस्ट पर ज़रूर छोड़ें। उसके बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो बस इनको एक किचन टॉवल से हम इनको कवर कर देंगे और रख देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी समोसे बनकर हमारे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। बस इनको रेस्ट पे रख देंगे जिससे कि इनको बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। तो इनको रेस्ट पे छोड़ देंगे आधा पौन घंटे के लिए। तो बस सभी को कवर करके छोड़ देंगे हम। तो बस 1 घंटा हो चुका है इनको रेस्ट पे रखे हुए। तो अभी नहीं करेंगे हम डीप फ्राई, तो एक कढ़ाई रखेंगे। तो बस हमने ले ली एक गहरी सी कढ़ाई और उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तो बस ऑयल हमारा हल्का सा गरम हो चुका है। इसके लिए हमें हल्का गरम ही चाहिए। तो इनको समोसे को एक एक इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे हम।
तो बस धीरे धीरे समोसे को होने देंगे। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि हल्का सा गर्म होगा तभी ये अच्छे से कुक होंगे और बहुत ही बढ़िया क्रंची होकर आएंगे। चारों तरफ से इवनली कलर आने देंगे। तो बस समोसों पे हल्का हल्का कलर आने लगा है, फ्लेम को हल्का सा बढ़ा लेंगे। अब तो बस जो समोसा हमारा अच्छा कलर आ चुका है, जो सीख चुका है, उसको हम अलग निकाल लेंगे।
समोसे हमारे बन चुके हैं, बाकी बच्चों को भी सेम तरीके से बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो सभी समोसे बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।